उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। ऐसे में कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार अमिताभ वाजपेयी के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPM की पूर्व सांसद सुभाषिनी अली मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थी। इस दौरान कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए सुभाषिनी अली को नारियल दिया गया, लेकिन जैसे ही सुभाषिनी अली ने नारियल फोड़ने की कोशिश की, मगर उनसे नारियल नहीं फूटा। सुभाषिनी अली ने कई बार नारियल फोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनसे नारियल नहीं फूटा, जिसके बाद पूर्व सांसद को गुस्सा आ जाता है और वो बौखलाकर नारियल को फेंक देती है। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सुभाषिनी अली नारियल नहीं फूटने की वजह से झल्ला जाती है और नारियल को फेंक देती है। इस मौके पर उनके साथ सुरेंद्र अग्रवाल सहित कई सपा नेता भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, वीडियो में देखा जा सकता है कि कई और नेता भी नारियल नहीं फोड़ पाते हैं। सपा विधायक अमिताभ के कार्यालय उद्घाटन के मौके पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। कुछ नेता तो बिना मास्क पहने नजर आए। इतना ही नहीं, किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी, जबकि 10 मार्च को नतीजे घोषित किए जाएंगे।